So today we will be discussing about acid-base balance and its disorder. So what is the pH? pH is the minus log of H plus ion. And last bench, आगे आ जाइए आप लोग, उठिए और आगे आइए. आपको भी आना है आगे. मिडिल रो भी आगे आ जाइए, पीछे में जो बैठे आगे आइए. मैरून शर्ट और उसके साइड में जो बैठे आगे आओ. एक रो में 5 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं बैठेंगे, आगे आइए. यदि आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर मैं क्लास में क्वेश्चन पूछने लग जाऊंगी फिर, और जिससे क्वेश्चन पूछूंगी फिर उसके मार्क्स भी मिलेंगे. और वैसे भी आपकी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा तो अच्छी है नहीं किसी भी सब्जेक्ट में. तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके आगे मेडिसिन एंड अदर सब्सटेंस सब्जेक्ट में भी काम आएगा. इट्स एन एसिड बेस बैलेंस एंड पीएच इज द माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन. द पीके वैल्यू इज दैट पीएच वैल्यू जिसमें एसिड जो है वो हाफ आयनाइज हो जाता है. एल्कलाइन रिजर्व हम बाइकार्बोनेट जो अवेलेबल होता है इन द बॉडी टू न्यूट्रलाइज द एसिड उसको बोलते हैं हम एल्कलाइन रिजर्व. एंड नॉर्मल वैल्यू होती है 24 मिलीमोल पर लीटर. एंड बफर आर दो सब्सटेंस विच रेगुलेट्स एनी चेंज इन द पीएच. सो द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं एंड जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शली आयनाइज होते हैं. देन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट जो कि के होता है ये अनडिसोसिएटेड पार्ट और जो डेसोसिएशन है उसके बेसिस पर हम के वैल्यू निकालते हैं. मीन्स डेसोसिएशन कॉन्स्टेंट इट इज इक्विलिब्रियम ऑफ अनडेसोसिएटेड पार्ट वर्सेस द डेसोसिएटेड पार्ट. जैसे कि एच ए जो है वो एच और ए में डिवाइड हुआ है तो इसे बोलेंगे हम डेसोसिएशन कॉन्स्टेंट. एंड द एसिडिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द के वैल्यू एसिड अपॉन द बेस जब हम वैल्यू फिट करेंगे. देन pH is the minus log of H plus ion. Means यदि आपका pH और acidity inversely proportional है, यदि आपकी pH value high है, it means acidic content low है. Then Henderson-Hasselberg reaction, pH और pK value का correlation है. इसका मतलब क्या होता है? pH is equals to pK log base upon acid. और जब acid और base same amount में present होते हैं, तो pH जो है वो pK के बराबर होती है. And it means कि जो आपका एसिड है वो हाफ आयनाइज्ड है. Then types of buffer. Buffer जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक weak acid with the salt and दूसरा weak base with the salt. Then basically 3 buffers हमारे body में present होते हैं, bicarbonate, acetate and phosphate. And acid और salt के basis पर हमारे buffer जो है वो अपने अलग अलग उसमें रहते हैं. जैसे बाइकार्बोनेट है तो H2CO3 एंड द सॉल्ट ऑफ द कार्बोनिक एसिड दैट इज NaHCO3. देन एसिटेट बफर एंड देन फॉस्फेट बफर. देन बफर जो होता है वो क्या करता है, कोई भी चेंज होता है पीएच में उसको रेगुलेट करता है. यदि आपका एसिड ऐड हुआ तो बफर जो है वो क्या बनाएगा, वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट. और यदि बेस आपके सॉल्यूशन में ऐड होगा तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा. ठीक है, सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ बफर. यदि आपका सॉल्यूशन में आप एसिड ऐड करोगे तो वो वीक एसिड और उसका सॉल्ट बनाएगा ताकि पीएच नॉर्मल हो सके, और यदि हम बेस ऐड करेंगे तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा. देन एसिड बेस बैलेंस, नॉर्मल पीएच आपकी जनरली 7.4 होती है लेकिन क्लिनिकली हम 7.35 to 7.45 लेते हैं.
एसिडोसिस यदि 7.38 से नीचे हो जाएगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे एसिडोसिस, जिसमें सीएनएस डिप्रेशन एंड कोमा एंड अदर चेंजेस आएंगे. एंड पीएच यदि 7.42 से ज्यादा होगी तो उसे बोलेंगे एल्कलोसिस, जिसमें न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी एंड सिटिनिया होगी. देन हाउ डू द मैकेनिज्म ऑफ पीएच अकर? फर्स्ट जो मैकेनिज्म ऑफ पीएच को चेंज करने के लिए जो यूज होता है वो होता है ब्लड बफर्स, सेकेंड में आपका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म एंड थर्ड आपका रीनल मैकेनिज्म. देन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर बफर के बेसिस पर, जैसे आपका बाइकार्बोनेट बफर है वो आपका एक्स्ट्रासेलुलर बफर है, एंड प्रोटीन इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर बफर है. प्रोटीन बफर में बेसिकली हीमोग्लोबिन का जो इमिडाजोल रिंग होती है वो एज अ बफरिंग एक्शन वर्क करती है, देन अमीनो एसिड एंड प्लाज्मा प्रोटीन, एंड इंट्रासेलुलर में फॉस्फेट बफर. देन बाइकार्बोनेट बफर में एनए HCO3 एंड H2CO3 एज अ बफरिंग एजेंट यूज करते हैं, एंड जो नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल होता है वो 24 मिलीमोल पर लीटर होता है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 mm ऑफ HG. देन यदि अपन हैंडरसन हैसल इक्वेशन में बाइकार्बोनेट का वैल्यू रखें तो इसके जो वैल्यू होती है वो पीएच से बराबर होती है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट बफर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो पीएच के बराबर है. एंड जो इसका बाइकार्बोनेट टू H2CO3 का रेशियो है वो 7.4:20 रहता है. ये वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो मेन बफरिंग एक्शन होता है वो होता है बाइकार्बोनेट का, क्योंकि ये पीएच को सबसे ज्यादा रेगुलेशन में हेल्प करता है. यदि इसकी वैल्यू कम होगी तो यदि ये ज्यादा टाइम तक पीएच रेगुलेशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा होती है ताकि ये ज्यादातर हमारे पीएच रेगुलेशन को मेंटेन कर सके. देन एल्कलाइन रिजर्व, जो बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं एल्कलाइन रिजर्व, ताकि वो जो एसिडिक लोड आएगा उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर सके, और यदि उसकी वैल्यू 1 के अप्रॉक्स होगी तो वो जल्दी ही बफरिंग एक्शन का जो है वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि सारा मॉलिक्यूल एग्जॉस्ट हो जाएगा. इसलिए उसकी वैल्यू 20 रहती है ताकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड में भी अपना काम कर सके. देन होता है फॉस्फेट बफर, इट्स अ इंट्रासेलुलर बफर जिसकी पीके वैल्यू 6.8 रहती है. इस तरीके से ये बफरिंग एक्शन करता है. इसका एक तो बेसिक बफर होता है एंड दूसरा एसिडिक. तो Na2HPO4 दैट इज एसिडिक बेसिक बफर, एंड NaH2PO4 इज एसिडिक. तो एंड जहां पे सोडियम ज्यादा होगा तो बेसिक बफर है अपॉन एसिडिक बफर. देन प्रोटीन, इसमें हीमोग्लोबिन एज अ बफर एक्ट करता है जो उसकी हिस्टिडीन की इमिडाजोल रिंग होती है, एंड इसकी पीके वैल्यू 6.1 होती है. देन रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज जो है वो रेस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करता है. तो एसिडोसिस के कंडीशन में क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण हाइपर वेंटिलेशन होगा, जिसके कारण वो मेंटेन करेगा आपका पीएच को. सो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंडीशन पे डिपेंड करती है, और रेस्पिरेशन रेट कहां से रेगुलेटेड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर्स, जिसके अंदर कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, एंड कीमोरिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू एनी चेंज इन द पीएच. यदि एसिडोसिस होगा, यदि H+ ion की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी तो वो क्या करेगी, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगी एंड हाइपर वेंटिलेट करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी, जिसके कारण H2CO3 का लेवल कम हो जाएगा. देन इस तरीके से आपका टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, जो कि वाटर के साथ कंबाइन करके आपका एंजाइम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज, जो कि क्या करता है H2CO3 का फॉर्मेशन करता है. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन करती है, अब फिर वो डिसोसिएट होकर H2CO3 H+ ion एंड बाइकार्बोनेट आयन बनाती है. अब ये H+ ion हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके H हीमोग्लोबिन बनाता है. अब ये RBCs लंग्स में जाएंगे, देन क्या होगा, जैसे ही वहां पे लंग्स में ऑक्सीजन होगी तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगी और H+ ion रिलीज होगा इन द लंग्स के RBCs में. देन फिर H+ ion बाइकार्बोनेट आयन के साथ बाइंड करके H2CO3 बनाएगा, और फिर वो H2CO3 अगेन कार्बन
कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी एंड देन लंग से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। इसी तरीके से आपका रेस्पिरेशन मैकेनिज्म एक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द हीमोग्लोबिन। एंड दिस इज अ क्लोराइड शिफ्ट, जैसे ही बाइकार्बोनेट शिफ्ट होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा तो क्लोराइड अंदर आ जाएगा, इसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो ये पूरा एक्शन है हीमोग्लोबिन का, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ बना के विद द हेल्प ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेट H2CO3 बनाएगा, देन फिर बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन एंड फिर हाइड्रोक्सी हीमोग्लोबिन। सो दिस अकर इन द टिश्यू जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, देन और फिर ऑक्सीजन जो है, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उससे फिर सेल में आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है एंड सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट निकल रहा है तो आरबीसी जो क्लोराइड जो है वो आरबीसी में एंटर हो रहा है टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द आरबीसी। तो इसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट जो हो रहा है वो टिश्यू के अंदर हो रहा है। देन लंग्स के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन लंग्स से आरबीसी में जाएगी, वो सेम डायग्राम ये ब्रीफली में है, फिर आपका बाइकार्बोनेट एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी एंड क्लोराइड जो है वो वापस आरबीसी के अंदर आ जाएगा एंड बाइकार्बोनेट आपका आरबीसी के अंदर रहेगा और क्लोराइड बाहर आ जाएगा। सो ये मूवमेंट होता है क्लोराइड का विद रिस्पॉन्स टू द बाइकार्बोनेट शिफ्ट, उसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। यदि बाइकार्बोनेट अंदर जा रहा है तो क्लोराइड बाहर आएगा आरबीसी के, और यदि बाइकार्बोनेट आरबीसी के अंदर जा रहा है तो टिश्यू के अंदर क्लोराइड आ जाएगा। सो टू मेंटेन द एनायन नॉर्मल, सो क्लोराइड का जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। सो लंग्स के अंदर जो है वो क्लोराइड आएगा एंड टिश्यू के अंदर जो है आपका आरबीसी के अंदर जाएगा। देन हाउ द रेस्पिरेटरी कंट्रोल मेंटेन द पीएच, जैसे ही सेल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। फिर ये कार्बोनिक एसिड किसमें ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट। सो H+ एन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब एसिडोसिस की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। वो H+ आयन जो है यदि ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होगा तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लंग से निकल जाएगी एंड आपका पीएच जो है वो वापस नॉर्मल में हो जाएगा, क्योंकि पीएच जो है वो बाइकार्बोनेट अपॉन H2CO3 होता है। देन रीनल के 4 मैकेनिज्म होते हैं। नॉर्मल यूरिन का पीएच 6 होता है, जो विच इज लोअर देन द नॉर्मल ब्लड पीएच, जिसको अपन बोलते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है इसलिए पीएच जो है उसका स्लाइटली लो होता है यूरिन का कंपेयर टू द ब्लड। अब 3 रीनल मैकेनिज्म होते हैं, एक तो रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन आयन, एक रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, एक एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रिबल एसिड एंड एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। सो 4 मैकेनिज्म है टू बफर द चेंज इन द पीएच। देन जो एक्सक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयन का वो पीसीटी के अंदर होता है, मीन प्रॉक्सिमल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका ट्यूब्यूल्स के अंदर बाइकार्बोनेट बनता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, H2CO3 बना, फिर उससे क्या होता है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन बना, हाइड्रोजन आयन आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में जाएगा एंड बाइकार्बोनेट जो है वो आपका ये जो वेसल्स है दैट इज द ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में बाइकार्बोनेट रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। आप जब पोटेश हाइड्रोजन आयन आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में आया तो उसको बैलेंस करने के लिए सोडियम की एंट्री होगी, वो सोडियम जो है वो वापस ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये जो H+ आयन है वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। देन सेकेंड है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट। अब दिस इज द ब्लड वेसल, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर प्लाज्मा से फिल्टर हुआ आपका बाइकार्बोनेट, तो वो बाइकार्बोनेट सेम जो H+ आयन सिक्रीट हुआ उसके साथ कंबाइन करके H2CO3 बनाएगा, ठीक है। वो H2CO3 अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा, फिर ये रीनल ट्यूब्यूल के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, अगेन H2CO3 बनेगा, देन बाइकार्बोनेट वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर एंड
साथ के साथ में सोडियम भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है हाइड्रोजन, तो सोडियम जो है वो वापस ब्लड के अंदर आएगा. सो दिस इज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट. देन आपका ट्राइटेबल एसिडिटी वो होती है कि कितने अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड है एक लीटर ऑफ यूरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 7.4 पे. ये आपकी नेट एसिडिटी होती है जो कितना किडनी सिक्रीट कर रही है. एंड दिस टाइट्रेबल एसिडिटी इज मेंटेन बाय द सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉस्फेट. और ये आपकी एसिड एब्जॉर्प्शन PCT में स्टार्ट होता है एंड बेसिकली DCT में मींस डिस्टल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल में होता है. देन आपका जो ट्यूबुलर ल्यूमेन है इसमें बेसिक फॉस्फेट यानी N2H फॉस्फेट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ. अब इससे सोडियम आयन रिलीज हो जाएगा और NaH फॉस्फेट. अब क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल से हाइड्रोजन पोटेशियम सॉरी H+ आयन रिलीज हो रहा है तो ये क्या बना देंगे NaH2PO4 यानी एसिडिक फॉस्फेट. ये एसिडिक फॉस्फेट जो है वो आपके किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. सो ये जो एसिड फॉस्फेट है इट मेंटेन्स द एसिडिक कंडीशन ऑफ द यूरिन. ठीक है. अब अगेन सेम वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड होके बाइकार्बोनेट एंड फिर बाइकार्बोनेट आपका रीअब्सॉर्ब हो जाएगा साथ के साथ सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा. सो दिस इज द एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेबल एसिड. इस एसिड को मेंटेन करके हम यूरिन की एसिडिटी फाइंड आउट करते हैं. ये एसिड है तो कितने अमाउंट ऑफ NaOH यानी बेस चाहिएगा टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड एट 7.4 डिग्री 7.4 pH. सो यहाँ पे 7.4 थी और जैसे ही एसिड सिक्रीट हुआ तो 4.5 आपकी यूरिन की एसिडिक pH हो गया. देन एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया DCT में होता है. इसमें अमोनिया ग्लूटामेट ग्लूटामीन से जब ग्लूटामाइन बनेगा तो अमोनिया सिक्रीट होगा. ये जो अमोनिया है ये डिस्टल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल में हाइड्रोजन के अमोनिया आयन जो था वो NH4 बना लेगा एंड किडनी में एक्सक्रीट आउट होगा. अगेन सेम बाइकार्बोनेट जो है वो प्लाज्मा में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा. सो दिस इज द फोर मैकेनिज्म ऑफ रीनल. एक तो हाइड्रोजन H+ आयन का सिक्रीशन, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइटेबल एसिड यानी NH2PO4 एंड सिक्रीशन ऑफ अमोनिया. देन वॉट आर द फैक्टर्स दैट मेंटेन द रीनल एसिड सिक्रीशन. एक तो यदि बाइकार्बोनेट का फिल्टर बढ़ जाए या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम हो जाए, बॉडी की pH कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए, देन हाइपोकैलेमिया एंड देन एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन. एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करता है. तो यदि कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं होगा तो H2CO3 का फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन मेंटेन द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ एसिड्स. देन व्हाई द pH जो है वो पोटेशियम के बैलेंस से क्यों अफेक्ट करती है? क्योंकि जो H+ आयन को टिश्यू के अंदर आने में और जाने में कोई भी एक सिंपोर्ट की जरूरत है तो उसके सिंपोर्ट में पोटेशियम जो है वो साथ में एक्सक्रीट आउट होता है. सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो सिंपोर्ट होता है. सिंपोर्ट मीन्स कोई भी आयन यदि एक साथ अंदर या बाहर आते हैं तो उसे सिंपोर्ट कहते हैं. तो जैसे ही आपका H+ आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में आता है तो उसके साथ पोटेशियम भी साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में आ जाता है. तो इसलिए जब pH जो है वो इंक्रीज होती है यानी H+ आयन बढ़ता है तो उसके साथ साथ में पोटेशियम का लेवल भी बढ़ता है क्योंकि पोटेशियम को बाहर निकलने के लिए कोई भी मीडियम चाहिए फॉर द एक्सचेंज. सो वो पोटेशियम के साथ बाहर निकलता है तो इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में हाइपरकैलेमिया प्रेजेंट होता है व्हाइल मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के साथ हाइपोकैलेमिया प्रेजेंट होता है. देन रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या होता है? आपका जो किडनी है वो पोटेशियम आयन सिक्रीट नहीं कर पाती तो यूरिन में जो है वो पोटेशियम का लॉस होता है तो इसलिए हाइपोकैलेमिया मिलता है. एंड सडन हाइपोकैलेमिया कब मिलता है? जब हम एसिडोसिस की कंडीशन को ठीक करते हैं. तो जब हम एसिडोसिस की कंडीशन को ठीक करते हैं तो H+ आयन जो है वो आपके सेल्स में वापस चला जाता है तो जिसके कारण जो है वो
पोटेशियम भी सेल्स के अंदर H प्लस आयन के साथ चला जाएगा, तो इसलिए सडन हाइपोकैलेमिया मिलता है व्हेन वी ट्रीट द एसिडोसिस कंडीशन. देन दीज आर द बफर एंड प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी. एंड एसिड बेस पैरामीटर्स हम किस पेशेंट में चेक करते हैं, एक तो क्रोनिक इल पेशेंट में, एक मल्टी ऑर्गन फेलियर, एक रेस्पिरेटरी फेलियर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो अल्टर हो रहा है, एक कार्डियक फेलियर, एक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस एंड इन पॉइजनिंग ऑफ द बारबिट्यूरेट और इथेनॉल. देन एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस. एल्कलोसिस मीन्स पीएच का इंक्रीज होना एंड एसिडोसिस मीन्स पीएच का डिक्रीज होना. अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो कम होते हैं, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है. कार्बोनिक एसिड मीन्स H2CO3 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है. देन एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में कार्बोनिक एसिड का लेवल डिक्रीज होगा. देन इसको मेंटेन करने के लिए कंपनसेटरी फेज होते हैं, मीन्स रीनल एंड रेस्पिरेटरी जो है वो कंपनसेशन करती है टू न्यूट्रलाइज एनी चेंज इन द H प्लस आयन. तो तीन कंडीशन होती है, एक अनकंपनसेटेड, एक पार्शियली कंपनसेटेड एंड एक फुल कंपनसेटेड. देन यदि आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस है तो उसको रेस्पिरेटरी कंपनसेशन मिलेगा उसमें, एंड यदि रेस्पिरेटरी एनी कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज है तो देन रीनल मैकेनिज्म यानी एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट विल रेगुलेट द रेस्पिरेटरी इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड और डिक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड. देन यदि बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज है तो क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा ताकि क्या है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिलीज हो एंड पीएच नॉर्मल हो जाए. और यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज है तो उसके कारण बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ताकि पीएच जो है वो रेगुलेट हो सके. सो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है इसमें बाइकार्बोनेट का लेवल कम है तो उसके कारण क्या होगा, PCO2 का लेवल भी कम हो जाएगा ताकि वो मेंटेन कर सके पीएच को. देन एल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट का लेवल ज्यादा है देन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा टू मेंटेन द पीएच. देन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ज्यादा तो रीनल जो है वो बाइकार्बोनेट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी. देन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है तो जो बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन है टुवर्ड्स द किडनी वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. देन दिस इज द कंपनसेटरी मेटाबॉलिज्म. जैसे एक्यूट रेस्पिरेशन में ही एक्यूट एंड क्रोनिक होता है. एक्यूट में क्या होता है, जिसमें कंपनसेशन जो होता है वो कम होता है इंक्रीज. जैसे मान लो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट सिर्फ 1 मोल बढ़ रहा है लेकिन क्रोनिक में ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता है बाइकार्बोनेट का. सो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन द बाइकार्बोनेट लेवल और डिक्रीज इन द बाइकार्बोनेट लेवल वी डिवाइड इनटू एक्यूट एंड क्रोनिक. देन एनायन गैस मींस द सम ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. सो उसके बेसिस पर हम एनायन गैप निकालते हैं, मींस नंबर ऑफ कैटायंस माइनस नंबर ऑफ एनायंस. बेसिकली इसमें कैटायंस में सोडियम एंड पोटेशियम लेते हैं एंड एनायंस में जो है बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड. सो इन दोनों के कैलकुलेशन से मीन्स नंबर ऑफ कैटायन माइनस नंबर ऑफ एनायन से आपका एनायन गैप आता है. एंड नॉर्मल एनायन गैप जो है वो आपका 12 मिलीमोल पर लीटर होता है. Then this is the anion gap. Acidosis में क्या है, bicarbonate का level कम होगा तो anion gap जो है वो increase हो जाएगा. Then these are the causes of acidosis. Metabolic acidosis का main cause होता है diabetic ketoacidosis. Then any shock, any diarrhea, renal failure and salicylate poisoning. Salicylate basically आपका aspirin में होता है which leads to the salicylate formation. And रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, पीएच डिक्रीज हो जाती है
इसके कॉजेज होते हैं एनी रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, एनी सीओपीडी मींस अस्थमा, इंफाइसीमा, पल्मोनरी एडिमा एंड एनी ट्रोमा टू द चेस्ट. देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है. देन इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द एनायन गैप. हाई एनायन गैप मींस नंबर ऑफ कैटायन, एनायन्स जो होता है वो ज्यादा होता है, कैटायन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है. देन एग्जाम्पल है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एंड लैक्टिक एसिडोसिस. लैक्टिक एसिडोसिस में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो बाइकार्बोनेट से बफर होता है, बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो जाता है, इसलिए एनायन गैप जो है वो बढ़ जाता है. एंड डायरिया में जब आपका सोडियम एंड क्लोराइड दोनों का लॉस होता है तो इसलिए आपका ये नॉर्मल एनायन गैप में आता है. देन लैक्टिक एसिडोसिस टू टाइप का है, एक इम्पेयर्ड लैक्टिक एसिडोसिस विद हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होता है, एंड लैक्टिक एसिड इम्पेयरमेंट विदाउट हाइपोक्सिया. देन नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में डायरिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस आता है. देन रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जो है यू मे रीड इन द मेडिसिन इन द फाइनल ईयर, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. टाइप वन में प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है, सेकेंड में डिस्टल ट्यूबुलर रीनल एसिडोसिस होती है, एंड टाइप फोर जो थी यदि एल्डोस्टेरोन जो है वो प्रॉपर सिक्रीट ना हो तो. देन डिक्रीज एनायन गैप आपका हाइपर एल्बुमिनीमिया में, मल्टीपल माइलोमा में एंड हाइपर कैल्सीमिया में मिलेगा. देन रिस्पॉन्स टू द एसिडोसिस, जैसे एच प्लस आयन इंक्रीज होंगे, बाइकार्बोनेट लेवल कम होगा तो रीनल क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा एच प्लस आयन, रीअब्सॉर्ब करेगा बाइकार्बोनेट. एंड रेस्पिरेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा जिसके कारण हाइपर वेंटिलेशन होके कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से निकल जाएगी. सो कॉम्पनसेशन में हाइपर वेंटिलेशन होगा. देन रीनल में रिमूवल ऑफ द एसिड, देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस एसोसिएटेड विद द हाइपरकैलेमिया. देन दिस इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिक्रीज इन द बीपी, नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया. देन रैपिड रेस्पिरेशन को कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन मिलते भी बोलते हैं, जो कि सीन होता है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस में. देन टू ट्रीट द मेटाबॉलिक एसिडोसिस वी सप्लाई ऑक्सीजन टू द पेशेंट एंड वी चेक द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द पोटेशियम एंड वी प्रोवाइड द बाइकार्बोनेट टू द पेशेंट बिकॉज देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ बाइकार्बोनेट. एंड टू सी द मेजरमेंट ऑफ बाइकार्बोनेट वी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला. देन रेस्पिरेशन एसिडोसिस में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन हो जाता है इन द लंग्स जिसके कारण हाइपोवेंटिलेशन हो जाता है. एंड इट्स सीन इन द लंग्स डिजीज लाइक ब्रोंकोनिमोनिया, अस्थमा, इंफाइसीमा एंड एनी ट्रोमा टू द लंग्स, जिसमें क्या होगा पीएच जो है वो लो होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज होगा. देन टू कंपनसेट इट बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. देन पेशेंट में ब्रेथलेसनेस, रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग होगी, लिथार्जी होगी, ट्रेमर्स, कंफ्यूजन. देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इट मे बी आइदर ड्यू टू द लॉस ऑफ एसिड और मे बी इन द केस ऑफ हाइपोकैलेमिया. देन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाता है, इट इज मे बी इन द कंडीशन ऑफ ओवरडोज ऑफ एंटासिड. एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में पीएच इंक्रीज होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है, एंड इसमें पेशेंट में हाइपर वेंटिलेशन मिलता है. देन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस डिपेंडिंग ऑन द यूरिनरी क्लोराइड, इट डिवाइड इनटू टू टाइप, एक तो क्लोराइड रिस्पॉन्सिव एल्कलोसिस एंड एक क्लोराइड इररिस्पॉन्सिव एल्कलोसिस. देन क्योंकि एल्कलोसिस है एच प्लस आयन का जो है वो लेवल जो है वो कम है, तो इसमें क्या होगा, सिक्रीशन हो जाएगा बाइकार्बोनेट का एंड जो रेस्पिरेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो मेंटेन रहे. देन इसमें पेशेंट में लिथार्जी, टैकीकार्डिया, हाइपोवेंटिलेशन मिलेगा. सो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में आपको हाइपोवेंटिलेशन मिल रहा है, ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हाइपर वेंटिलेशन है.
क्लिनिकल फीचर्स में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज है, सो हाइपोवेंटिलेशन होगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो. एंड जो रीनल है उसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ H+ मोर, क्योंकि बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ा हुआ है, सो इट एक्सक्रीट आउट मोर बाइकार्बोनेट. एंड जो पोटेशियम का है उसका एक्सक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. देन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में कार्बोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा. सो जब जब कार्बोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा देन आपको हाइपर वेंटिलेशन मिलेगा. सो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में कार्बोनिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो हाइपर वेंटिलेशन मिलेगा. देन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लो होगी इन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, पीएच हाई होगी एंड बाइकार्बोनेट जो है वो लेवल इंक्रीज होगा, फिर बाद में उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा टू कंपनसेट द रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. सो दिस इज इन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस. देयर इज अ रैपिड ब्रीदिंग, हाइपर वेंटिलेशन, टैकीकार्डिया, हाइपोकैलेमिया. सो दिस इज द डिस्टर्बेंस जिसमें कंपनसेटेड एंड फुली कंपनसेटेड है. जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो उसमें बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल है, क्योंकि कंपनसेशन नहीं है तो PCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नॉर्मल रहेगा, लेकिन क्योंकि बाइकार्बोनेट का लेवल कम है तो उसका मेटाबॉलिक में रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम होगा. सो फुली कंपनसेटेड में क्या होगा, पीएच नॉर्मल रहेगी, बाइकार्बोनेट नॉर्मल रहेंगे एंड PCO2 भी नॉर्मल हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द कंपनसेशन मैकेनिज्म अकर. देन हाउ टू असेस अ पेशेंट ऑफ एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस, फर्स्ट वी विल सी द पीएच, देन वी विल असेस द बाइकार्बोनेट लेवल, देन वी सी द व्हाट इज द पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वो किस स्टेज में कंपनसेटेड है या नॉन कंपनसेटेड है, देन वी सी द एनायन गैप एंड देन वी कैन सी इफ एनी देयर इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी पेशेंट को डायबिटीज तो नहीं है, वॉमिटिंग तो नहीं है, वी विल असेस द अदर अंडरलाइनिंग कॉज. सो ये नॉर्मल वैल्यूज है ऑफ द आर्टीरियल ब्लड गैस एनालाइजर मीन्स ABG, जो कि मेजर करता है हमारा पीएच, इलेक्ट्रोलाइट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड.